अगर आप इस सेलिंग फैन को चलाना चाहते हो और सेलिंग फैन के साथ अगर आप टेबल फैन चलाना चाहते हो या घर के छोटे छोटे मोटे अप्लायंस चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस वाले प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ, आप एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। देखो ये हमारा अमेजोन से एक पार्सल आया हुआ है जो कि पहले भी मैंने इसे अनबॉक्स करके दिखा दिया, बस जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं इस तरीके से वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। अब अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर मैंने पहले से इसे ओपन करके रखा हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट सील कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं। ये देखो ये मैंने ओपन किया और देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं इन्वर्टर आज आपके सामने लेकर आया हूँ, ये इन्वर्टर काफ़ी पावरफुल है। अगर आपके घर पर इन्वर्टर पहले से लगा हुआ है तो फिर भी आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देना, क्योंकि आपको आज मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ इस इन्वर्टर की सारी डिटेल्स के साथ, क्योंकि इस इन्वर्टर का मेरा 5 महीने का एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब उसे रखते हैं साइड पर। अब मैं बात करता हूँ आपको इस इन्वर्टर पर क्या क्या पसंद करें आपको देखने को भी मिलेगा। यहाँ पर यह है 12 वोल्ट का इन्वर्टर। अगर प्राइस की बात करें तो आप इसकी प्राइस पहले देख लो, जो मार्केट पर प्राइस आती है वो कितनी आती है, 2849 रुपये। यह आपको अलग अलग वेरियंट्स पर मिल जाते हैं, कितने वोल्टेज की आपको जरूरत है वो भी आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट और 72 वोल्ट, ये इन्वर्टर इतने सारे वेरिएंट पर आपको देखने को मिलते हैं, इस पर आपको सभी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब फटाफट इसे ओपन करते हैं। देखो ओपन करने के साथ हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है हमारा इन्वर्टर। अब इन्वर्टर को देखो मैंने पहले अनबॉक्स किया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हमें देखने को मिलेगा। देखो ये हमारा 1000 वाट का इन्वर्टर, जिसे हम यहाँ से साइड से निकाल देते हैं, तो ये देखो ये है हमारा मेन इन्वर्टर जिस पर एक फैन लगा हुआ है, जिससे ये कूलिंग रहेगा, ठंडा रहेगा, जिससे अच्छी खासी यहाँ पर जो जनरेट होगी 220 वोल्ट वो अच्छी तरह से काम करेगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए दो इस तरीके के सॉकेट दिए जाते हैं, जिस पर आपको वायर को लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 220 वोल्ट का ऐसे सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है, पावर के लिए इंडिकेटर मिलता है, फॉल्ट के लिए इंडिकेटर मिलता है, एक यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जिससे हम स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच बटन मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता इसे फिर भी कैसे यूज करते हैं, और जो भाई हमारे जैसे कि इंग्लिश वीडियो पर देखना चाहते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो उन सभी को नीचे कैप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, कैप्शन से भी चेकआउट आप कर लेना, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगा लेकिन आप समझ ले पाओगे। इसे भी रखते हैं साइड पर। अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर टोटल इस तरीके के दो केबल मिलते हैं, इसे मैं राइट साइड पर रखता हूँ पहले। ये देखो ये हमें दो इस तरीके केबल मिलते हैं, एक तो हमारा कार पर लग जाएगा उसके हिसाब से होल्डर मिल जाता है, और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए दो इस तरीके के वायर देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल हमें इसका तो काम नहीं है तो हम इसे साइड रखते हैं। हमें बात हो गई यहाँ पर दो केबल की जो चिमटे के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। देखो ये नेगेटिव के लिए है और ये पॉजिटिव के लिए है। तो सिंपल सी बात करें इस पर हम बैटरी कौन सी लगा सकते हैं, बैटरी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इसे आपको कुछ इस तरीके से खोलना होगा, सावधानी से खोलना, और एक भी इसका जो सामान है वो गुम नहीं होना चाहिए, यानी कि आप इसे मिस मत कर देना। अब देखो ये जो केबल इसके साथ जो मिला है, इस केबल को हमें इसके साथ अटैच करना है। ये देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, वरना मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि मैंने इसका वीडियो काफ़ी पहले बना दिया था सभी तरह के, जैसे कि ये सोलो से चलेगा कि नहीं, इस पर क्या क्या लोड चलेगा, और भी मतलब अलग से जितने भी कॉमेंट थे मैं उन सभी पर वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। अब ये जो पॉजिटिव वाला पिन है इसे भी यहाँ पर लगाएंगे कुछ सेम तरीके से। ये देखो ये देखो अब ये हमारा पूरा सेटअप हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पर थोड़ा सा वायर जो है इसे हम थोड़ा करेंगे यहाँ से लूज, क्योंकि हमें बैटरी को कनेक्ट करना है। अब चलो आप मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आपको बैटरी बता देता हूँ कि हम यहाँ पर जो बैटरी यूज करेंगे वो कितने एच की या कितने वोल्टेज की हम बैटरी यूज करने वाले हैं। बैटरी आप यहाँ पर 12 वोल्ट की लेना है, ये तो फिक्स है। एम्पियर की बात करें तो यहाँ पर आप 7 एम्पियर से लेकर के आप यहाँ पर 150 एच की बैटरी यूज कर सकते हो, जो घर की एम्प्लायंस की इन्वर्टर जो होती है, इन्वर्टर वाली बैटरी को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि बैटरी से ही पता चलेगा हमें कितने बैकअप यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मेरे पास बड़ी वाली बैटरी नहीं है, तो मैं यहाँ पर UPS वाली बैटरी को यूज करने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो ये है UPS वाली बैटरी जो कि फुल चार्ज नहीं है, क्योंकि लाइन काफ़ी कटता है, तो मैं यहाँ पर इसे चार्ज नहीं किया हूँ, लेकिन टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा चार्ज होगा जो मैं आपको वोल्टेज अभी दिखा देने वाला हूँ। यह मल्टीमीटर है, इसे मैं 20 पर सेट कर दे रहा हूँ आपको सिर्फ वोल्टेज दिखाने के लिए। अब यहाँ से इसे टच करते हैं, ये देखो
अगर ये बैटरी फुल चार्ज होता तो यहाँ पर 14 पॉइंट कुछ हमें वोल्टेज देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर 12 वोल्ट है, तो शायद हो सके ये फैन ना भी चले, तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी देर बाद हम इसे टेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इसे टेस्ट करके देख लेते हैं कि परफेक्ट ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। इसे मैं रखता हूँ साइड पर, और हर तरह के डाउट अभी इस वीडियो पर मैं भी क्लियर करने की कोशिश में करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। इसे मैं बैटरी को नीचे नहीं रखता हूँ, वरना शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फूक जाएगा। ये देखो नेगेटिव को आप यहाँ पर लगाओगे कुछ इस तरीके से, ये लग गया। अब ये पॉजिटिव वाला है, जैसे शुरू में आप टच करोगे तो यहाँ पर छोटा सा स्पार्क भी होगा, तो आप लोग डरना मत क्योंकि ये बैटरी डीसी की है। ये देखो ये हो गया स्पार्क यहाँ पर कंप्लीट। अब ये हमारा इन्वर्टर परफेक्ट काम करने के लिए तैयार हो चुका है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, आपको एक छोटा सा साउंड सुनाई देगा और ये चालू हो जाएगा। नहीं दिख रहा, मैं कैमरे को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, साइड पर कर देंगे जिससे आपको दिख पाए। ये देखो मैं उठाता हूँ इसे, यहाँ पर देखना जो ग्रीन कलर की रेडी है ये ग्लो करेगी, रेड जल रहा है। ये देखो ग्रीन स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसे हम 750 पर सेट करते हैं, अभी देखना ये कितना हमें आउटपुट निकाल करके दे रहा है। इसे हम यहाँ पर चले चालू कर लेते हैं, ये चालू हो चुका है। अब इसकी जो वोल्टेज है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो इसका जो वोल्टेज है वो 238 लगभग 240 के करीब ही आ रहा है, यानी कि चलो अच्छा है, इतना में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब वीडियो हो गई है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग, तो अब मैं आपको तुरंत से इसे चला करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी देखो ये वाला हमारा फैन है, इस फैन को मैं आपको चला करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसे एसी से चला करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसका प्लग कहाँ है? अच्छा ये देखो ये है इसका एसी प्लग, और यहाँ पर रखा हुआ है फैन। फैन को इधर रख देते हैं थोड़ा, ये सब क्लियर दिखे। फैन को मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ इसके साथ, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर इसे करते हैं स्टार्ट। ये देखो आप देख सकते हो कि ये अभी 220 वोल्ट डायरेक्ट एसी से चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन पर है। ये देखो परफेक्ट काम कर रहा है बिना कोई टेंशन का। ये देखो अब मैं आपको इसे डायरेक्ट डीसी से चला करके दिखाता हूँ। डीसी क्या, ये भी तो इन्वर्टर ही है। अभी मैं आपके सामने यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया है केबल। देखो डायरेक्ट यहाँ पर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है, और हमारा फैन भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब चलो मैं आपको इसे चला करके दिखाता हूँ, थोड़ा साइड ले लेते हैं। अभी आपने देख रहा है किस तरीके से ये चलता है। यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, और अगर ये फोल्ड बताएगा मतलब समझ आ बैटरी थोड़ी लो है, तो थोड़ी देर बाद मैं आपको जब शॉप जाऊँगा तो उस जगह पर आपको इसे ऑपरेट करके दिखाऊंगा। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखो। और फैन की बात करें देखो ये 100% चल रहा है, और ये यहाँ से बंद भी हो चुका है, यानी कि ये बैटरी चार्ज नहीं है इसलिए नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आपको आज इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा, भले वीडियो आपको लेट से मिले, 15 मिनट का वीडियो बनेगा, 20 मिनट का बनेगा, फिर भी मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। एक बार फिर से मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ इसे। ये मैंने चालू किया और ये देखो लगभग देखा, तो मैं आपको प्रूफ तो दे रहा हूँ कि ये काम करता है। अभी ये नहीं चल रहा क्योंकि बैटरी यहाँ पर लो है। तो चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब ये बैटरी शॉप पर चार्ज हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसे डायरेक्ट शॉप पर ही चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो भाइयों मैं शॉप पर रिकॉर्डिंग तो कर पाया हूँ, लेकिन म्यूजिक की वजह से मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर साइड में मैं आ जाता हूँ, और जो वीडियो है टेस्टिंग की वो आपको पूरे फुल स्क्रीन पर दिखने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो जो हमारा इन्वर्टर है इसे मैंने सोलर पैनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिससे हमारी सोलर पैनल से बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि मेरे शॉप पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई फंक्शन नहीं है, इस जगह पर क्या होता है सिर्फ सोलर पैनल से ही ऑपरेट होता है पूरी तरह से, और एक बैटरी से हमारा सभी कुछ चल जाता है। अब बात करें, आपने यहाँ पर डिफ्रीजर भी देखा है, तो डिफ्रीजर कैसे चलता है, तो वो हमारे 1000 वाट के इन्वर्टर से ही चल जाता है। इसकी मैंने पहले भी वीडियो मैंने आपको बना करके दिखाई थी, आपने अगर वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसे काफी अच्छे से लोड अच्छा आसानी से चल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जैसे मैं इसे स्टार्ट करूंगा अभी, तो आप इसकी जो विंड स्पीड है वो देख सकते हो। हाँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक साउंड सुनाई देगा,
जो कि झंझनाहट सा साइन होता है वो होता है कि क्योंकि आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे तो फैन पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम उसे इन्वर्टर से चलाएंगे तो यहाँ पर लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इस पर एक साउंड आता है। ये देखो कुछ इस तरीके से ये साउंड करता है। अगर देखो ये जब अभी ये अच्छी तरह से काम कर रहा है तो आप इसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, बैटरी बैकअप को थोड़ा बढ़ा लेना तो आप इसे अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।